लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही चुनावी प्रचार की शुरुआत भी हो चुकी है। नेता जनता के बीच जाकर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी याकूब कुरैशी भी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरठ के किठौर क्षेत्र में फिरोज याकूब ने लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी याकूब ने हापुड़ में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाजी याकूब ने कहा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया और आखिरी समय में सरकार जनता को फिर से बेवकूफ बना रही है। हर साल 2 लाख 100 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, पता नहीं क्या क्या वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन उसी को देखते हुए तो आज इस देश को बर्बाद करने की साजिश मुल्क के बाद से आज तक मुल्क में जो हमारे हिंदुस्तानियों ने इस मुल्क पर कुर्बानियां दी है, शहादतें दी है, उसको बिल्कुल बेकार करता ये 90 साल पुराना भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का सपना इनका पूरा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी ने, चौधरी अजीत सिंह ने, वैम मायावती ने गठबंधन किया है, तो मैं कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हिंदुस्तान में ढूंढने से नहीं मिलेगी। वहीं इस दौरान हाजी याकूब कुरैशी ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता सपा बसपा के गठबंधन के साथ है और बीजेपी को हराकर लोग जवाब देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।